जय हिंद दोस्तों अग्निवीर का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा 2024 में तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं भाई यही आपका प्रोसेस 2024 में होगा यानी कि 22 अप्रैल से जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना तो सेम यही प्रोसेस होने वाला कंप्यूटर रहेगा और ये आपके सामने विंडो रहेगी माउस रहेगा अब कैसे माउस का प्रयोग करना है कैसे आपको पेपर देना है आपको पता होना चाहिए टीचर भी रहेंगे जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे मैडम मास्टर भी रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे कि आपको यहाँ से ये कर लो ये कर लो जब एग्जाम चालू हो जाएगा तो वो आपको कुछ नहीं बताएंगे यानी कि कुछ नहीं बताएंगे कीप साइलेंट आप रहोगे ठीक है और आप खुद एग्ज़ाम दोगे अब कैसे दोगे तो भाई आज इस वीडियो में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा बस इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना बस उनको पता चल जाए और वीडियो में लाइक कर देना ठीक है देखो अभी आप ये प्रोसेस अपने घर पर भी खुद मोबाइल में कर सकते हैं कंप्यूटर में कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए ठीक है तो देखो मैं आपको बता दूं कैसे आप करोगे सबसे पहले आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाओ अग्निपथ और यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सी प्रैक्टिस इस पर क्लिक करना तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा ठीक है और यहाँ से भाई आप अपना कहने के मतलब ट्रेड सेलेक्ट कर लो जी में दोगे ट्रेडमैन में दोगे ठीक है किस में दोगे टेक्निकल में दोगे तो भाई मैं यहाँ पर जीडी में दूंगा और गो पे क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर जब आप एग्जाम सेंटर में रहोगे तो यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालोगे ठीक है डालने के बाद यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा आपका ठीक है और यहाँ पर फोटू आ जाएगा साइन इन पे आप क्लिक करोगे ठीक है जब साइन इन पे क्लिक करोगे तब फिर ये आपके सामने इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाकी हिंदी में ज़्यादा युवा पढ़ेंगे तो हिंदी में क्लिक करके और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना ठीक है उसके बाद दोस्तों देखो जब आप अपना पेपर दोगे किस लैंग्वेज में दोगे हिंदी में देना इंग्लिश में देना तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना ठीक है और यहाँ पर आई एम एग्री पे करके आई एम रेडी पे क्लिक कर देना ठीक है और ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा देखो यहाँ से टाइमिंग शुरू हो जाएगा आप जो अभी आप देख सकते हैं देखो टाइम लेफ्ट यहाँ पर आपका फोटो रहेगा यहाँ पर यहाँ पर आपका नाम रहेगा पेपर किस में दोगे आप यानी कि जी डी को दे दे रहे हो किसका दे रहे हो तो वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा ठीक है अभी देखो जनरल नॉलेज के पंद्रह क्वेश्चन आएंगे ठीक है जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है जनरल साइंस के यहाँ पर पंद्रह क्वेश्चन आएंगे जो भी आप देख सकते हैं मैथ के पंद्रह क्वेश्चन आएंगे के पाँच है? कि टोटल पचास किस प्रकार से रहेगा जो अभी आप यहाँ पर देखोगे इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है तो किससे नहीं मिलती है यानी कि तेलंगा से नहीं मिलती केरला से नहीं मिलती कर्नाटका से नहीं मिलती आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है तो उसका आंसर आपको खुद देना है ठीक है जैसे कि मान लो इसका तेलंगाना है और मैं यहाँ पर तेलंगाना पे क्लिक करके ए पे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ अभी दूसरा क्या है अहमदाबाद अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है ठीक है अहमदाबाद कौन सी नदी के नदी के तट पर स्थित है तो इनमें से कौन सी नदी के तट पर स्थित है वो आप बताओगे ठीक है तो यहाँ पर मान लो कि जैसे कि मान लो इस पर कर देता हूँ और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ ठीक है तो मेरे यहाँ पर दो क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद भाई यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान में वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है तो कौन है वो आपको बताओगे स्मृति स्मृति ईरानी है ठीक है या अरुण जेटली है ठीक है तो जो भी इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर भाई आपके तीन क्वेश्चन हो जाते हैं फिर मान लो कि आपने जब पंद्रह क्वेश्चन कर लिए जनरल नॉलेज के तो जनरल साइंस के भी यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने ठीक है तो यहां पर ये यह पहला क्वेश्चन हो गया अब ऐसे भाई मैथ का करने के बाद और रीजनिंग का करने के बाद अब फिर क्या करना वो मैं आपको बताता हूं उससे पहले जिस भाई को बेस्ट बुक चाहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करनी हो तो भाई चक्सू वालों की ये बुक है जो अभी आपको स्क्रीन पे शो रही होगी ठीक है ये जीडी की है इसमें आपको भाई कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और लगभग बात करूं तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे ठीक है तो जिस भाई को भी चाहिए तो बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बाय कर लेना इनको कॉम्बो सेट भी जिसमें भाई आपको कलर का मिलेगा ट्रेडमैन का मिलेगा ठीक है और टेक्निकल का मिलेगा जीडी का मिलेगा तो सभी की लिंक के लिंक डाल रहा हूँ नीचे जिस भाई को चाहिए बाय करो और एग्जाम की तैयारी करो आगे वीडियो को शेयर करो अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट प्रोसेस फाइनली भाई देखो हम लास्ट स्टेज पर रहे अभी मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज के पंद्रह क्वेश्चन थे और मैंने पंद्रह क्वेश्चनों के आंसर दे दिए ठीक है ऐसे भाई मैंने जनरल साइंस के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए मैथ के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए अभी हम लास्ट स्टेज पर हैं रीजनिंग के दो क्वेश्चन बच रहे हैं चौथा और पाँच अभी यहाँ पर दस छः इक्कीस चौबीस तो इसका आंसर क्या आएगा अभी आपको पता होगा तो भाई इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्वेंटी एट ठीक है इस अकॉर्डिंग जो भी आप देख लेना ठीक है तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये लास्ट ऑप्शन जो हमारा है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है मान लो कि इसका आंसर डी है तो मैं डी देने के बाद क्या करूँगा और एक चीज़ का और बता दूँ आपको देखो मान लो कि आपने डी पे क्लिक कर दिया और आप सोच रहे हो कि यार मेरा ए होना चाहिए था ए पे मैं करूँ तो वो सिंपल आप ए पे कर लेना अगर ये कि भाई मुझे इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना खाली छोड़ना है तो भाई आप यहाँ पर ना क्लियर रिस्पॉन्स पे कर देना और यहाँ पर यह हट जाएगा ठीक है जब आप क्लियर रिस्पॉन्स पे कर दोगे तो मान लो कि ये हो गया यार आप सोचोगे यार मैं इसे कैसे यानी कि मुझे इसका आंसर ही नहीं देना तो भाई आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देना तो वो यहाँ से हट जाएगा और फिर फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना ठीक है जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस अकॉर्डिंग जो इंटरफेस ही रहेगा फाइनली यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहेगा जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो सबमिट तो इस पर आपको ओके okay कर देना फिलहाल फिलहाल वो अभी शो so नहीं हो रहा है ठीक है जब आप इस पर शो कर दोगे क्लिक कर दोगे तो भाई फाइनली आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ठीक है आपको यानी कि कोचिंग सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा तो ये प्रोसेस है भाई इस अकॉर्डिंग आपका 2024 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो ऐसे होने वाला है तो आगे वीडियो को शेयर करो ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचाओ कि भाई ऐसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ठीक है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम